प्रसार भाग तीन। वृक्ष से गिरा या हवा से उड़कर आया हूँ। सूरज, हवा और पानी से कुछ दिनों में एक नन्हा पौधा मैं बन जाऊंगा। सुंदर फूल और रसीले फल अपने साथ लाऊंगा। नमस्ते दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि मैं एक बीज हूँ। पौधों और फलों में बहुत बीज होते हैं। किसी भी पेड़ के बीज यदि एक ही जगह गिर गए तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में धूप, पानी, मिट्टी नहीं मिल सकेगी। पेड़ और पौधों के बीज ज्यादा से ज्यादा अंकुरित होकर नए पौधे बन सकें, इसीलिए यह जरूरी है कि वह दूर दूर तक फैल जाएं। इस वीडियो की मदद से हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि बीजों का फैलाव या प्रसार कैसे होता है। इस वीडियो का उद्देश्य है यह जानना कि बीजों का प्रसार क्यों और कैसे होता है। वह देखिए, शेखर और माला अपनी माँ की मटर छीलने में मदद कर रहे हैं। आप भी करते हैं ना अपनी माँ की मदद? चलिए देखते हैं कि क्या बातचीत हो रही है। माँ, मुझे मटर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। हाँ शेखर, मैं जानती हूँ। अरे माँ देखिए, इस वाली मटर की फली में कीड़ा लगा हुआ है। कोई बात नहीं शेखर, जाओ और इन मटर के दानों को बाहर बगीचे की मिट्टी में दबा दो। माँ, अब तो हमारा अपना मटर का पौधा उग जाएगा। अच्छा, मैंने रामू काका के खेत में मटर की फसल देखी है। लगता है वह भी ऐसे ही मटर के दानों को बोते होंगे। पता है बच्चों, मटर के दानों का एक बहुत मजेदार तरीके से फैलाव होता है। अच्छा, कैसे माँ, बताइए ना। कभी कभी मटर की फलियों में विस्फोट होता है और उसी विस्फोट की वजह से मटर के दाने दूर जाकर गिरते हैं। क्या विस्फोट? कितना मजेदार तरीका है। हाँ, यानी कि जब इन पौधों की फलियां सूखने लगती हैं, तो वह चिटकने लगती हैं और इसी की वजह से उनका फैलाव होता है। हाँ दोस्तों, फलीदार पौधे जैसे मटर, सेम और भिंडी में कई बार अंदरूनी दबाव के कारण विस्फोट होता है या वे चिटकने लगते हैं। इसकी वजह से उन फलियों के दाने दूर दूर जाकर गिरते हैं और इस तरह से उनका प्रसार होता है। है ना मजेदार बात? चल शेखर, मटर तो छिल गए, अब खेलने चलते हैं। हाँ बच्चों, जाओ। माला, रवि और राधा को भी बुला लेते हैं। रामू काका के खेत की तरफ खेलने चलते हैं। हाँ चलो। चले चलो, दौड़ लगाते हैं और देखते हैं कि कौन सबसे पहले पहुंचता है। चलो कुछ देर यहाँ बैठ जाते हैं। वो देखो, रुई के बीच कैसे यहाँ वहाँ उड़ रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है। पर रामू काका के खेत में तो रुई नहीं उग रही है, तो ये बीज कहाँ से आए? मैं तो इन्हें पकड़ने जा रहा हूँ, देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा बीज पकड़ता है। यह देखो कितने मुलायम है ये बीज। हाँ, यह बीज इतने हल्के हैं, तभी तो हवा की वजह से ये यहाँ वहाँ उड़कर पहुँच जाते हैं। पता है रवि राधा, आज माँ ने बताया कि मटर के दानों का विस्फोट से प्रसार होता है और मुझे लगता है कि रुई के पौधों के बीज का हवा के द्वारा प्रसार होता है। ऐसे और कौन से पौधे होते हैं जिनके बीज हवा के माध्यम से प्रसारित होते हैं? दोस्तों, हम बीजों का कई माध्यमों से प्रसार होता है, उसमें से हवा एक माध्यम है। जिन पौधों के बीज हल्के होते हैं जैसे कि रुई, उनके बीज हवा के साथ यहाँ से वहाँ उड़कर पहुँच जाते हैं और इसकी वजह से उनका प्रसार होता है। ऐसे और पौधे जो हवा के माध्यम से प्रसार करते हैं,
उनका उदाहरण है डैंडेलियन, सूरजमुखी और मदार आग के बीज। पता है दोस्तों, बीजों के पंख भी होते हैं, जैसे कि मेपल के बीज। पंख होने की वजह से यह बीज भी हवा की मदद से प्रसारित होते हैं। चलो नारियल पानी पीते हैं। हाँ हाँ चलो, प्यास भी बहुत लग रही है। अरे वाह, मजा आ गया। धन्यवाद भैया, कितना मीठा मीठा पानी था। यह नारियल कितना भारी होता है, मैं सोच रहा हूँ इसका पेड़ कैसे उगता होगा। अरे हाँ, सोचने वाली बात तो है शेखर, कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। नारियल के पेड़ ज्यादातर समुद्र के पास पाए जाते हैं। बच्चों, क्या मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊं? मैं कई साल तटीय क्षेत्रों में रहा हूं। हाँ जरूर बताइए भैया। नारियल का पेड़ ज्यादातर समुद्र के पास या पानी के पास उगता है। इससे फल टूटकर पानी में गिर जाते हैं और पानी में तैरते तैरते एक तट से दूसरे तट तक पहुंच जाते हैं। नारियल का बीज नहीं बल्कि पूरा फल तैरता है और इतने समय में उसका बीज अंदर अंकुरित होने लगता है। जब वो किसी तट पर पहुंचता है तब वो वहां की मिट्टी में उगने लगता है। हाँ दोस्तों, नारियल के अलावा कमल का फूल, कुमुद के फूल यानी वाटर लिली भी पानी के माध्यम से बीजों का प्रसार करते हैं। अरे वाह, यानी कि पानी के माध्यम से भी प्रसार होता है। बड़े अच्छे तैराक होते हैं ये नारियल। धन्यवाद भैया। चलो अब पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। मुझे पकड़ कर दिखाओ, मैं तो हवा से भी तेज दौड़ती हूँ। थक गए भागते भागते। चलो चलो अब घर चलते हैं, देर हो रही है। हाँ भूख लग रही है, माँ ने आज मटर की स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। चलो रवि और राधा तुम भी घर चलो, साथ में खाना खाएंगे। वो देखो उस तोते को। कहाँ कहाँ, मुझे भी दिखाओ। वो देख राधा, उस अमरूद के पेड़ पर बैठकर मजे से अमरूद खा रहा है। हाँ वो रहा। याद है हमने पढ़ा था कि पक्षी बीजों का पाचन नहीं कर सकते और वे इन बीजों को अपनी बीट में बाहर निकाल देते हैं। हाँ, और जहाँ वे बीट गिरती होगी वहाँ बीज जरूर उग जाते होंगे। हाँ दोस्तों, यह बच्चे तो बड़े होशियार हैं। पक्षी जब फल खाते हैं तो वे उसके बीज का पाचन नहीं कर सकते, वे उन बीजों को मल के रूप में अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं और वे बीज जहाँ गिरते हैं वहाँ एक पौधा उग जाता है। यह भी पशु पक्षियों द्वारा बीजों के प्रसार का एक माध्यम है। माँ हम आ गए, देखो रवि और राधा भी आए हैं। आओ बच्चों, चलो हाथ धो लो, मैं अभी तुम सबको खाना देती हूँ। अरे शेखर, देखो तुम्हारी कमीज पर कितने सूखे बीज चिपक गए हैं। लगता है तुम सबने खेत में बहुत मस्ती की। हाँ शेखर, देखो ये सारे बीज कैसे तुम्हारी कमीज पर चिपक गए हैं। लगता है कि कई बीज रास्ते में भी गिरे होंगे। इसका तो मतलब हुआ कि शेखर भी बीजों का प्रसार करने में मदद कर रहा है। हाँ दोस्तों, कई बीज कांटेदार होते हैं, उनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसकी मदद से वे जंतुओं पर चिपक जाते हैं और फिर वे जंतु जहां कहीं भी जाते हैं बीजों को अपने साथ ले जाते हैं। इसका उदाहरण है यूरेना और जेनिथियम। प्रकृति भी कितनी विचित्र है, इतने नन्हे से बीज कैसे अलग अलग माध्यमों की मदद से प्रसारित होते हैं। मैं तो इसके बारे में और जानना चाहती हूँ। चलो खाना खाकर पुस्तकालय चलते हैं। तो दोस्तों
आशा करता हूँ कि आप सबने भी मेरे और मेरे जैसे अन्य बीजों के प्रसार के बारे में जानकारी एकत्रित की होगी। आप भी अगली बार जब किसी बीज या पौधे को देखना तो सोचना कि बीजों का प्रसार कैसे हुआ होगा। हमारा प्रसार हवा, पानी, जंतुओं की मदद से होता है और ऐसे हम एक नया जीवन शुरू करते हैं। बड़ा ही मजेदार है हमारा ये जीवन। तो दोस्तों, आप सब मिलकर बहुत सारे बीज और बहुत सारे पेड़ लगाइए और अपनी धरती को हरा भरा बनाइए।